आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में धमाके की कई आवाजें सुनाई दे रही हैं। आज गुरुवार सुबह से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई का आदेश देने के बाद रूसी सेना यूक्रेन में कई ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रही है। यूक्रेन की राजधानी क्यू समेत कई शहरों पर हमले किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि आम लोग भी मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने भी कहा है कि पलटवार करते हुए उसने भी रूस के 5 विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने अपने देश में मार्शल लॉ भी लगा दिया है, जिसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। कई अहम इलाकों को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और रूस को जवाब देने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रूसी हमले से नागरिकों को बचाने के लिए राजधानी क्यू में कई शेल्टर होम बनाए गए हैं। नागरिकों से इन शेल्टर में जाने की अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से हुए हमले में यूक्रेन के 40 जवानों की मौत हो गई है। इसके अलावा 10 नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ताजा बयान आया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने रूस के 6 प्लेन मार गिराए हैं। इसके अलावा 50 रूसी सैनिक भी मारे गए हैं और 2 टैंक भी नष्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल यूक्रेन ने दूसरे देशों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद मांगी है। वहीं अमेरिका ने रूस को चेताया है। चीन ने मामले को शांति से सुलझाने की गुजारिश की है। वहीं यूएन में रूस ने हमले पर अपना पक्ष भी रखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित विशेष अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है, जो वर्षों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त कराना है। इस बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को लेकर कहा है कि भारत का विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है। चूंकि यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बता दें कि पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर बना हुआ था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। उसका ही नतीजा रहा कि आज उन्होंने हमले का आदेश दे दिया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, रूस के सामने नहीं झुकेंगे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।